प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स खंडवा। नगर पालिक निगम के अधिकारी अशोक तारे पर जवाहरगंज निवासी अरुण मनोहर यादव ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मालुका क्षेत्र में दुकान आवंटन करने के नाम पर उनसे 7 लाख रुपए की रिश्वत ली है। इस बात की शिकायत करने वे आज जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मालिकों का रहवासी हूं मैं, ये मेरी दुकान के मामले में 7 लाख रुपए अशोक तारे बाबूजी ने लिए है मेरे से और मेरे को कच्ची रसीद दी है मेरे को दुकान की 1,78,000 की रसीद दी है मेरे को इन लोगों ने और 5,22,000 रुपए इन लोगों ने रिश्वत ली मेरे से और बोलने को गया तो मारने की धमकी दी मेरे को, जान से मारने की धमकी दी इन लोगों ने, तारे बाबू जी ने। और क्या, ये दुकान आप पापा को लेकर आए थे, क्या मामला है पूरा? आज मेरे और मेरे पिताजी द्वारा जन सुनवाई में एक आवेदन दिया गया जिसमें अशोक तारे नगर निगम द्वारा हमें हमारी दुकान का नव निर्माण का लागत मूल्य पे देने वाला था, लेकिन उनने हमसे, मतलब मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनसे मतलब उन्होंने छल करा है और 1,78,000 की दुकान हमसे उनने 7 लाख रुपए में ली है और हमें 1,78,000 की उनने सरकारी रसीद दी है और हमने उससे बात करी है तो उन्होंने मतलब हमसे डायरेक्ट तो बोला है कि भैया ये तो बोले हमसे ऊपर से लेके नीचे तक के मतलब अधिकारियों को देना पड़ता है, इस विषय से उन्होंने हमको ज्ञान दिया है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि भैया मतलब जो 5,22,000 की हमने उसको रिश्वत दी है और जो लागत मूल्य थे 1,78,000 रुपये वो काट के हमें मतलब बचा हुआ मूल्य वापस दिया जाए। ये 5,22,000 रुपये छोटी रकम नहीं होती भाई साहब, इस प्रकार जिस प्रकार आपको ज्ञात होगा। आरोप लगाया आपको पैसे लेने का, क्या कुछ मामला? यह सरासर निराधार आरोप है और पैसे लेने देने का कोई मामला नहीं है। न जाने क्यों वह किस द्वेष भावना से और किस कारण से वहाँ पर यह शिकायत करी है, इसकी सत्यता की जांच होना चाहिए, जांच में मैं पूरा सहयोग करूँगा। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं किसी एक दुकान को किसी व्यक्ति को देने के लिए 7 लाख रुपए की डिमांड करते हुए दिख रहे हैं, तो इस तरह की कोई एक शिकायत भी यहाँ जन सुनवाई में हुई है? हाँ, उसकी शिकायत जो प्राप्त हुई उसकी नगर निगम मजिस्ट्रेट से जाँच कराई जाएगी और जांच में जो बिंदु आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आशीष इंफ्रा द्वारा खनन करने का भी